आपका वेलकम है हमारे किटो ब्लॉग्स के चैनल पे। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि दीदी आप अपने नेल पे ना नेल पेंट लगाओगे तो आपका नेल बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो मैं ऐसे बैठी थी, मैं इसको ऐसे ऐसे नोच रही थी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने नेल को खूब अच्छी तरह से सजाऊँ। मैं इस बार अपने नेल को घर पे ही एक्सटेंशन करूँ। मैंने देखा तो उन्होंने कैसे किया था, बट मेरे पास उतना वो चीज़ें सारी चीज़ें नहीं है। मेरे पास जो भी है, मेरे पास जैसे कि जो डेली यूज के लिए जो नेल पेंट होता है, तो मेरा परमानेंट वाला नेल पेंट मेरे पास नहीं है, तो मैं वही यूज करूँगी। फिर मैं क्या करती हूँ, मेरे पास बहुत सारे नेल पेंट तो है नहीं, बट है कुछ कलर कि जो इस पर दिखेगा, तो मैं जिस कलर पे साड़ी पहनूंगी उससे थोड़ा सा मैचिंग में मैं लगाऊंगी नेल पेंट। तो सुना मेरा मेकअप बॉक्स इसके नीचे थोड़ा नेल पिंक वाला नहीं नेल पेंट का बॉक्स दे, तो मैं देखती हूँ ना कि कौन सा कलर ज़्यादा बेस्ट लगेगा मेरे नेल। आप देख सकती है मेरा मेकअप बॉक्स अभी छोटा वाला जो है, और मेरे पति देव ने उस दिन कपड़े वाश किया था तो उसमें धुलने के लिए रख दिया है। तो ये मेरा फर्स्ट है जो इसका रैक, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें, इसमें सारा सामान मैं अरेंज करके रख दी हूँ। और ये मेरा एक ब्रश खो गया है, तो मिल नहीं रहा है मेरा ब्रश कहाँ है। तो मैं अभी नेल पेंट निकालती हूँ और मैं नेल पेंट अपने हाथों से लगाती हूँ अपने हाथ नेल में। बहुत सारे मेकअप के सामान हैं और मेरा मेकअप ना कोई जैसे कि डुप्लीकेट थोड़ी ना है, मेरा मेकअप रियल है। रियल क्या होता है सुना? रियल मतलब बस गम गिरा है क्या, सब चिपक रहा है, क्या गिरा है? गम कहाँ से आ जाएगा? आ जाता है मेरे पास नेल पेंट नचरू को मार देंगे। ये वाला लगा ना रेड कलर, एक नहीं ये इसमें है कि नहीं है पहले, एक और पिंक कलर का था मैं देखती हूँ। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है मेरे इसके। अरे यार कौन है? एक मैं एक ये था ना, इसमें है कि नहीं है? है। और एक कलर और लिया था मैंने, कौन सा रेड था? चलो देखते हैं कि टॉर्च लगाएगी तभी अच्छा लगेगा। मैं लगा के देखती हूं। और इधर सब आके मोबाइल चला रहा है, तो चाचा बैठे हैं। चाचा मेरा दिल तोड़ दिए हैं। क्यों क्या हुआ? तोड़ दिए हैं तो उसको जोड़ने में तो बहुत टाइम लगता है ना, कोई चीज़ टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है। इधर जी सब खड़ा है, देखो कौन सा किस्म है। ये वाला मेरे पति देव, ये वाला सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। इसमें पहले देखिए है कि नहीं है। नोटिफिकेशन आ गया चाचा का। है जी, यही लगाते हैं। फैमिली ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बिनोमो के बारे में बताना चाहती हूँ। बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जहां पर आप एडिशनल इनकम कर सकते हैं और दिन भर का खर्चा बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। इंडिया में 2 मिलियन प्लस लोग बिनोमो में ट्रेडिंग करते हैं। आइए चलिए हम आप सभी को ट्रेडिंग करके दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ऊपर जा करके एसेट सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद हमें अमाउंट में जाकर अमाउंट सेलेक्ट करना है कि हमें कितना अमाउंट लगाना है। जैसे कि हमने 350 रुपए लगा लिया है। इसके बाद हमें 15 मिनट तक प्रेडिक्शन करना पड़ेगा कि हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे। 15 मिनट बाद मुझे लग रहा है कि हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो हमने 350 रुपए लगा दिया। देखो मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये देखो हमने 650 रुपए जीत गई। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप एजुकेशन के ऑप्शन से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 350 का डबल 700 रुपए। अर्न किए गए पैसे को आप बहुत ही आसानी तरीके से विड्रा कर सकते हैं पेटीएम के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को अगर आप यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 65,000 रुपए इन डेमो अकाउंट। तो दोस्तों देर किस बात की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में बिनोमो ऐप डाउनलोड कीजिए। चलते हैं अब ब्लॉग की तरफ। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये एक मतलब कि फर्स्ट कोड लगा दिया है, तो ये सेकेंड कोड अभी थोड़ा सा सूखने तक का टाइम देते हैं। और एक हाथ में नहीं लगाया तो इसमें अपने पति देव से लगवाएंगे। मैं लगा देती हूँ। नहीं सोनाक्षी, थैंक यू सो मच सोनाक्षी, बट मैं ये इनसे लगवाऊंगी। लेकिन आपको जैसे भी आप बच्चे हो ना, आप अच्छे से नहीं लगा पाओगे। मैं लगा पाती हूँ, ये देखो। नहीं आप नहीं लगा पाओगे। आई एम सो सॉरी सोनाक्षी, मैंने आपका दिल तोड़ दिया है। सो गाइस मैं थोड़ा सा सूखने तक का टाइम देती हूँ, क्योंकि अभी इनका ब्लॉग आया है, तो इनके ब्लॉग जब आ जाते हैं ना तो इनको कुछ नहीं दिखाई देता है, बस इनको अपना ब्लॉग दिखाई देता है। मैं सो कर उठती हूँ, किट्टो ब्लॉग बनाना है।
ऑफिस से आए किट्टू ब्लॉग शूट करना है। इनकी लाइफ में ब्लॉग से स्टार्ट होती है और सोते टाइम खत्म होती है। तो गाइस गीला है जी, गीला है तो इसको क्यों पहन रहे हो? ये मत पहनो ना, वाला पहन लो, वाला सूख गया, ये वाला थोड़ी ना सूखा होगा सही से। पतिदेव का वेट करते करते मेरे को बोरिंग होने लगा तो मैंने अपने दोनों नेल में नेल पेंट लगा लिया है। और ये आप लोग को किस कलर का लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। किसका फोन है? अरे मेरी सोना का फोन है। मेरी सोना कितनी गुलमुल लग रही है। इधर दिखाया, इधर लाल से इधर ले ले आओ। मैं आप लोग को अपने सोना को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए सोना, सोना को देखो बेटी बेटी, सोना से फोटो वहाँ से थंबनेल निकालो। ये सोना इधर देखो, सोना इधर देखो, सोना इधर देखो, सोना सोना इधर देखो, सोना इधर देखो, सोना 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 का कॉल आया। मैं सोना से बात करी, दे दी है। किट्टू जी क्या कर रहे हो बाबू? ऐसे खाना खा लिए हैं, टहल भी रहे हैं और ये सुफेनी है, दूध पीते नहीं है आजकल, तो फिर मेरा मन क्या कि सुफेनी ही बना लेते हैं, कुछ मीठा हो जाए। हाँ दिवाली आने वाला है ना, देखें ये 1 नवंबर को मुंह मीठा के साथ आप सभी को हैप्पी धनतेरस। धनतेरस कब है? पहले धनतेरस ही आएगा ना, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली आएगी। कब है हम ये पूछ रहे हैं बाबू। पता है जी, मतलब कि जब से हम बड़े हुए हैं आज तक, जब से पैदा हुए हैं अभी तक मेरी शादी हो गई है, इतने सालों के पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि धनतेरस और छोटी दिवाली एक दिन आया। नहीं तो ऐसे कभी जिंदगी, इतने बड़े हुए कभी भी नहीं। बाप रे, इतनी बड़ी बात हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है यार, कभी जो कभी नहीं हुआ वो ऐसे अचानक कैसे हो सकता है। और उसी के उपलक्ष्य में थोड़ा सा मैं ऐसे मई बना, हाँ उसी के टाइम पे, चलो भाई अच्छी बात है, दिवाली छोटी दिवाली धनतेरस के दिन मैं सुफेनी बना लेती हूँ। मतलब ये जानकर मैंने आज कैलेंडर में देखा तो मुझे लगा, मैंने देखा कि यही चीज़ है। अच्छा हाँ ठीक, तो आप भी लीजिए, तुम खाओ ना पहले। ये नहीं पूछोगे बाबू, तुम इतने बड़ा सा लेकर आई हो, इसी में दूध खोला था, इसी में डाल दिया, इसी अब सब सो गए तो हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर 12 बजे खाना खाए हैं। 12 बज गए हैं, करेक्ट। मैं खा के देखूं पहले आपको? हाँ खा के देखो पहले। सोनाक्षी की आवाज आ रही, पूछे क्या खा गए? सोनाक्षी यहाँ आओ, जाग रही है। बाबू आप खाओ, ले आओ प्लेट में, आइसिंग खाएंगे क्या? हाँ गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने एक आवाज लगाया सोनाक्षी को, ये भी टपक के आ गया। ले लो चला, अभी गर्म है उसको, ना थोड़ा ठंडा जाएगा तो इसे देंगे खा लेगा। आ जरा, क्योंकि मैं देखिए इनके लिए, मतलब पहले 2 कप आता था दूध, एक कप ये पीते थे, एक कप में पीती थी। हाँ खाएगा, एक कप का जो दूध बचा था ये जल्दी बना दिया, खा लो फिर उसे, फिर कौन रात को इतना बर्तन फिर भी धुलना, फिर धुलना पड़ेगा, दूध गिर जाएगा वो, क्योंकि हिलता है तो ये आज के डोला नहीं, मीठा डोला सबसे ये ना बाबू। बना दोगी क्या उसका? ठंडा होने दो, आप भी खाइए। चलिए गाइस ये लोग खाते रहेंगे, ये लोग खाते रहेंगे। हाँ तो आधा खाओ, आधा खा ले बाबा, मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी, मीठा ज्यादा खाऊंगी नहीं। मेरे को बात रिपीट कर रहा है ये। गए थे बाहर, क्या क्या खा के आए थे? बर्गर खाया था। और क्या खाए थे? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं खाए थे? जूता है। जूता लाए हो? मेरे लिए नहीं लाए? कुर्ता पजामा पहनने, कुर्ता पजामा, इसका देखियो कुर्ता पजामा जो नया वाला आया है, वैसे एकदम छोटा सा खिलौना की तरह बहुत सुंदर सा लग रहा था, दिवाली पे पहन हो गया एकदम ऐसे मिला वाला थी, तो क्या गर्म, इसीलिए बोली थी आराम आराम। सही है लेकिन तो अलार्म उसे कैसे बनाई थी सर्दी पे, दिन तुरंत दिए थे, तुरंत खाए थे, तो उस दिन अच्छा बना था, ये सूखा सूखा लकड़ी की तरह देंगे, तुम्हें भी देंगे, वो खा लेने दो, क्योंकि अब क्योंकि ना जानते हो दिन में झूठा खा लेते ना, पूरे मुंह में छाला पड़ गया था।
सोनाक्षी दे दो ना, सोनाक्षी ऋषभ एक मसाला देर ने बोली नहीं। सोनाक्षी ऋषभ को भी खिलाओ थोड़ा सा, चलो इधर इधर थोड़ा सा है तो इसमें थोड़ा, ये थोड़ा सा हम एक कप दूध का बना रहे हैं, इतना ऋषभ को दे देना, इतना ऋषभ को दे देना, खिला दे अपने हाथों से। चल इसमें थोड़ा सा ली हूं बच्चों को दे देने के लिए। यस का केक अभी गुस्तु को थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे। खा चल लियो, थोड़ा और खाएगा। अरे बस 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 तुमको नींदी नहीं आ रही है? जैसे जैसे हाथ चाटती है ऐसे 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 मम्मी मेरी ना क्या करती थी, जैसे मलाई था ना रेत कर ऐसे लोग खाते थे। तो भले ही दिल्लिया में आ गए हैं लेकिन बचपनवा गंगा का बतिया थोड़ी ना भूल जाए। ऐसे खाते थे क्या? एक बात बताते हैं, जानते हैं आप, मेरी शादी नहीं हुई थी, हमारे मार्केट वाले पूरी हमारी पूरी क्लासमेट मेरे ब्लॉग देखते हैं, वो लोग प्लीज फ्रेंड लोग अगर ये बात मैं सच बोल रही हूँ तो तुम कमेंट जरूर करना। अच्छा तुम लोग बताओ, हम लोग हम कितना सबको हंसाते थे कॉलेज मतलब कि स्कूल में, जैसे कि हमारा ग्रुप था पूजा सपना साजिया और बहुत सारे लोग थे, नेहा जयंती बहुत सारे लोग थे, नंदिनी सुनंदा प्रीति बहुत सारे लोग लगते थे, हम लोग कितना ग्रुप बनाते थे, कितना हंसी आती थी, कितना हम सबको हंसाते थे, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी हंसाते थे। पर मेरे अंदर पता नहीं क्यों बाद में हट गया, ऐसा क्यों बाबू बताओ ना। ए जी ये क्या बताती हो, ये क्या सही कह रहे हैं ऋषभ, मेरे जैसे सब इतना खुश रहते थे ना, इतना हंसते थे। मैं एक हम इतना ये क्या बोलती हो चाची को क्या 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 बोलती हो क्या क्या बता क्या ऐसी क्या बोलती हो तब कैसे ऐसे ऐसे गिर जाएगा इसका कहने का मतलब ऋषभ बिस्तर पर नहीं गिर जाएगा, सब बिस्तर पर मतलब जानते क्या है, ये क्या बोलती हो मतलब बाबू ना नहीं पानी डाल देना ना इसको खिला दो नहीं सब गिराएगा। तुम जल्दी खिलाते हैं, जल्दी खिलाते राजा बाबू की तरह। ऋषभ बर्गर खाया है, हमको नहीं खिलाया। अच्छा नहीं जब पूछ रहे हम छोड़ दिए हैं बोले फेल्ड गर्म नहीं है ना, गर्म नहीं है ना, मस्ती करने हम लोगों पास चला आता है। आज सुबह हम गए उठा खूब खिलाए पहले इसको तब ये गया वॉशरूम। अरे ऋषभ ऋषभ ना उस दिन दिवाली वाले दिन बहुत सुंदर लगने वाला है। क्यों ऋषभ सही में? हाँ और दिवाली वाले दिन पटाखा जलाएंगे। हाँ पटाखा लेकिन मिलता नहीं है यहाँ। बाबू मैं उस दिन ना वो ले लो कार ले लो, सब लोग कार ले रहे हैं। तुम्हारा अलग अलग ड्रामा रहता है। लेकिन मुझे कार नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे, मुझे घर मतलब वही नहीं पसंद है ना, कार ही नहीं पसंद। स्कूटी ले लो, स्कूटी है मेरे पास। सो फैमिली किट्टो का ब्लॉग मैं ही एडिट कर रहा था और करते करते काफ़ी लेट हो गया, 2 बजने वाले हैं। और इधर देखो ये सो गई, चश्मा लगा के ही सो गई है, देख रहे हो बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। उससे वीडियो एडिट कर रही थी सो गई, फिर मैं कहा मैं ही एडिट करके फाइनल कर देता हूँ, मैंने पूरा फाइनल कर दिया। काफ़ी मेहनत करती है अभी ब्लॉग बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, पता है अपना ब्लॉग सारा खुद है, अब शूट करती खुद एडिट करती है, सिखा दिया हालांकि मैंने इसको, लेकिन करती खुद है। तो काफ़ी देख रहे हो घर का सारा काम करना, उसका देखो थक हार के सो गई, चश्मा लगा के ही सो गई थी। आज का ब्लॉग मैंने इसका एडिट किया, तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई हैं। काफ़ी लेट हो गया है, काफ़ी मेहनत करती है, पता है जब इसकी शादी जब मुझसे इसकी शादी हुई थी मुझे नहीं लगा था कि इतना काम वाम कर पाएगी, लेकिन हालांकि इसने सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से संभाली, ससुराल भी मायका भी रिलेशन सारा अच्छा रहा। एक जो लड़की होती है धर्म पत्नी होती है वही सारी चीज़ें बहुत अच्छे से निभा सकती है। अभी घर का इसका है, घर हमें भी चाहिए, आप लोग भी पता है यार, आप लोग भी बोलते हो कि घर आप लोग का बहुत छोटा है, प्रॉब्लम होती है वीडियो शूट करने में, शॉर्ट वीडियोस नहीं बना पाते हैं क्योंकि फुल बॉडी दिखाने होते हैं, देख रहे हो कितनी छोटी सी जगह में नहीं हो पाता है।
बहुत ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मैं जा रहा हूँ सोने। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और एक चीज़ और, आप लोगों ने देखी थी किट्टो का नेल पॉलिश, काफ़ी अच्छा किया था उसने, मैंने उसको बोला था। अच्छा ये इसका नेल पॉलिश देख रहे हो, नेल एक्सटेंशन काफ़ी अच्छा कराया इसने। और इसने बोला कौन सा नेल पेंट लगाऊं, मैं कहा पिंक वाला लगा लो ज़्यादा अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वाला। अभी सो रही है, सुबह उठेगी फिर दूसरे वाले ब्लॉग में इसका दिखाएंगे। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच।